हेलो एवरीवन, मैं रोहन आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे चैनल लर्नर्स फेलो पे। आज हम लोग का लाइव क्लास 14 है। ठीक है, आज हम लोगों ने ग्रामर का प्रैक्टिस मतलब रिवीजन सेशन रखा है। और जो लोग नए जुड़े हैं उनको बता दूं कि प्रत्येक रात हम लोग 10 बजे, 10 से 10:40, 40 मिनट की क्लास होती है, प्रत्येक रात 10 बजे होती है। और उसका लिंक जो है व्हाट्सएप ग्रुप में मिलता है हमारे, और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे मैं दे दूंगा, वहां से आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब काम की बात पे आते हैं। मैं भी शायद बैकग्राउंड में गाना कुछ बज रहा होगा क्योंकि होली का समय है, तो आसपास काफी ज्यादा गाना वगैरह बज रहा है, उसको इग्नोर करिएगा जरा सा। ठीक है, चलिए। और कुछ लोग नए जुड़े हैं शायद, शाओमी नाम से कौन है बताएंगे अपना नाम, और लाल ज्योति आवाज आ रही है, सेनापति कौन है ये, जी सर, जी सर, आवाज आ रही है। ये आपका नाम है, जी, मेरा क्या नाम नाम है, है नाम बताइए पूरा। लाल ज्योति सेनापति, अच्छा, कहाँ से हैं, उड़ीसा से। उड़ीसा से, ओके ठीक है। और ये शाओमी वाले भैया कौन है, नाम अगले दिन से थोड़ा सा चेंज करके आइएगा, नाम क्या है आपका, उत्कर्ष, आपसे बात हुई थी अभी व्हाट्सएप पर। अच्छा उत्कर्ष जी, आज ही आपने ज्वाइन किया है, ओके चेंज कर लीजिएगा इसको नेम जो है थोड़ा सा अगले क्लास से। और राम जी तो हमारे प्रतिदिन आते हैं, अच्छी बात है। ठीक है, तो आज हम लोग रिवीजन सेशन रखे हैं हिंदी ग्रामर में। जैसे राम जी कौन-कौन चैप्टर हम लोग पढ़ चुके हैं जरा बताइए सबको। होली का टाइम है फिर भी मैंने कहा कि गैप नहीं होना चाहिए, कम से कम कुछ भी सही रिवीजन हो जाए एक बार। राम जी आवाज आ रही है आपको, हेलो। यस सर, हाँ कौन-कौन चैप्टर हम लोग एक्चुअली पढ़ सर चुके हैं। मैंने ना शायद क्या बोलते समास और संधि से ना शायद 7 और 8 से शायद स्टार्ट किया था, 1 से लेकर 6 7 ना ने मतलब अटेंड नहीं किया कर पाया। कोई नहीं, मैं बता दूं आपको हम लोग कौन कौन चैप्टर कर चुके हैं। जो लोग ये वीडियोस नहीं देखे होंगे ना, तो अपने चैनल लर्नर्स फेलो के चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाइएगा, प्लेलिस्ट वाला सेक्शन में, वहाँ SSC GHT 2023 नाम से एक प्लेलिस्ट है, उसमें जाइएगा तो आपको क्लास 1 से लेके आज जो 14th क्लास है अभी जूम पे चल रही है, इसको फिर मैं यूट्यूब पर डाल देता हूँ, जाके जो बच्चे नहीं देखे हैं, जो साथी हमारे छूट गए हैं, वो वहां से बाद में फिर देख सकेंगे। तो आप एक एक क्लास करके देख सकते हैं, जो लोग भी अभी भी देख रहे हैं या बाद में देखेंगे, वो प्रत्येक लाइव क्लास 1 से आप पूरा क्लास देख लीजिएगा, आपका एक ओवरऑल रिवीजन हो जाएगा, आप किसी भी किताब से पढ़ रहे हैं आपको एक अच्छी समझ हो जाएगी, क्योंकि हम लोग इसमें अच्छे से डिस्कशन कर रहे हैं सारी कुछ है। ठीक है, तो मैं बता दूं आपको, संज्ञा पढ़ चुके हैं, सर्वनाम हो चुका है, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, समास, संधि, संधि के 4 क्लास कल ही खत्म हुए हैं, आई थिंक इतने चैप्टर्स हो चुके हैं। हाँ कारक नहीं किया अभी हमने सर। ठीक है, इतने चैप्टर हम लोग कर चुके हैं, आज हम लोग इसी का रिवीजन करेंगे, क्योंकि कल होली है तो होली को लेके छुट्टी रहेगी। ठीक है, कल क्लास नहीं लूंगा, और इसके लिए आप सभी को अभी सभी लोगों को हार्दिक होली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं हैं, अच्छे से एकदम सेफली होली खेलिएगा। ठीक है, सभी को होली की शुभकामना है, तो शुरू किया जाए। अच्छा उत्कर्ष जी, आपका कुछ सवाल था क्या, आप पूछ सकते हैं, नहीं तो आप बाद में व्हाट्सएप कर दीजिएगा मुझे। ठीक है, और ये लाल ज्योति जी, आज आप पहली क्लास है आपकी ना। जी सर, मेरे मेरा को ना पहला एक क्लास है। थोड़ा सा हाँ राम जी क्या कह रहे थे बताइए। मेरा एक प्रश्न था, आपने बस वो जो सामान्य हिंदी का लुसेंट वाला सही बस तैयारी किया था, लुसेंट मेरे पास भी है आवाज ना, नहीं आ रहा है, आपकी आवाज नहीं आ रहा है। आवाज नहीं आ रही मेरी, हाँ हाँ आप बताइए फिर से बोलिए आप। ये कह रहा हूं कि ये मेरे पास ये बुक है, इसी से जब भी देखना होता है ना वही देखता हूं। आपको भी सर होली की ढेर सारी शुभकामनाएं, नहीं, अभी मैं जैसे आपको कॉल आपका कर लूंगा, शायद आराम से बात कर रीजनल लूंगा। ओके, हिंदी में जीएसटी में हिंदी में कितना आया था मतलब प्रीलिम्स में। हाँ देख लीजिएगा, मेरा स्कोर कार्ड यूट्यूब पे भी डाला होगा मेरे चैनल के शॉर्ट्स वाले वीडियो में, आई थिंक 83 ये या सुन 159 हाँ मेरा हाँ ओवर मतलब स्कोर था ईडब्ल्यूएस का मैं बोल बुक। रहा हूँ कि इसी बुक से पढ़े थे क्या मतलब ग्रामर को देखिए, ऐसे कोई करके। भी जो नॉलेज होता है ना, वो एक चीज एक तरफ से नहीं आता है। ठीक है, अगर पूछिएगा कि हिंदी कैसे इसी से आ गया, तो नहीं, ये मैं रिवीजन, जैसे मान लीजिए किसी का भेद भूल गया, किसी का एग्जाम्पल भूल गया, उसके लिए मैं बस बुक का यूज करता हूँ, बाकी जो कॉन्सेप्ट है वो आपका बहुत पहले बिल्डअप हो गया होगा। पर्सनली मुझसे पूछिएगा तो 8, 9, 10 क्लास में ही जब मैं था, तो हमारे प्रिंसिपल सर थे डॉक्टर विजय कुमार,
वो हिंदी से ही पीएचडी किए हुए थे और वो प्रिंसिपल भी थे हमारे डीएवी पब्लिक स्कूल के। तो उन्होंने, वो खुद आते थे क्लास लेने, सोचिए क्या प्रिंसिपल नहीं आता ऐसे क्लास लेने। वो काफी एकदम अच्छे मतलब व्यक्ति थे और काफी रिस्पेक्ट करता हूँ मैं उनकी। तो उन्होंने ग्रामर पढ़ाया था, उनका ग्रामर पढ़ाना इतना अच्छा मुझे लगता था कि काफी ज्यादा उसमें रुचि होने लगी, पहले से भी था और उनका पढ़ाया हुआ बहुत अच्छे से समझ में आता था। तो कहीं ना कहीं हिंदी से लगाव तब से बढ़ा और उसके बाद मैं उस चीज को ध्यान रखता था, प्रैक्टिस करता था। और इसको तो मैं यूज करता हूँ कि ठीक है ओवरऑल देखने के लिए क्या कैसे है। तो आपकी समझ कहीं ना कहीं शुरू से ही बिल्डअप होती है, लेकिन ये किताब मुझे ठीक लगता है, नो डाउट। इसमें जितना आपको चाहिए जीएसटी के लिए पूरा मटेरियल है, कहीं आपको इसमें, यहाँ तक कि नेट की तैयारी, नेट की तैयारी वालों के लिए भी सही है ये। एक्चुअली ना मेरे पास भी है बुक, मेरे पास एक्चुअली दो तीन बुक है, दोस्तों के पास है। मेरे पास दो इंस्ट्रूमेंट है, एक वाला है वही हिंदी सामान्य हिंदी, और एक ना अरविंद कुमार वाला एक है और संपूर्ण हिंदी व्याकरण वाला, और एक कहीं किसी दोस्त के पास खाली पड़ा था एक बुक वासुदेव का, वासुदेव उपाध्याय वाला हिंदी का, तो वस्तु उसको मैंने लाया हूँ। मतलब तीन बुक हो गया समझता हूँ। देखिए, मैं यही कहूंगा जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं ना, जो लोग नए, बता दूं मेरा भी सिलेक्शन इस बार कैग में हुआ है, ठीक है। तो ये बता दूं मैं आप लोगों को कि जो भी बुक से पढ़ना हो, ठीक है। अच्छा हाँ, उत्कर्ष लिख रहे हैं सर, इसका उपयोग करता हूँ, बहुत अच्छी किताब है। हाँ उत्कर्ष जी, आप फ्री हो के बाद में कल, जो है कल तो होली है, देख लीजिएगा, जिस समय आप कर सकते हैं कॉल, आप, मैं कॉल करने के लिए किसी को मना नहीं करता। अगर जरूरत है तो आप कॉल कर लीजिए, मैसेज कर लीजिए, व्हाट्सएप पे पर्सनली मुझे मैसेज कर लीजिए, आपका काम होना चाहिए बस, मैं ये चाहता हूँ, ठीक है। तो ये कह रहा हूँ कि कोई भी किताब जो है ना, चार पांच किताब रखिए, ठीक है, लेकिन पढ़िए किसी एक किताब को 10 बार। 10 किताबों को एक बार पढ़ने से फायदा नहीं होता है ना। जैसे एक किताब रखिए, उसी को बार बार पढ़िए, एक बार चैप्टर आपका सारा खत्म हो गया, फिर से उसको रिविजन करिए, फिर से उसको रिविजन करिए। ट्रस्ट करना सीखिए सबसे पहली बात, चाहे वो कोई गुरु हो आपका, चाहे कोई भाई हो, चाहे कोई सिखाने वाला हो, चाहे वो कोई किताब हो, ट्रस्ट करिए कि हाँ मैं इस किताब को पढ़ूंगा, ये किताब मुझे मंजिल तक ले जाएगी। ये नहीं कि, बहुत लोग देखता हूं मैं कि आज इस किताब को पढ़ेंगे, कल किसी और ने कह दिया इससे कहाँ सवाल आता है, उसको छोड़ दिया, दूसरा किताब पढ़ लिया, फिर कुछ दिन बाद वो पढ़े, फिर तीसरे किताब पे स्विच कर जाते हैं। ऐसे लोग का सिलेक्शन कभी नहीं होता। आप एक ही चीज को 10 बार पढ़िए ना, आपका सिलेक्शन बिल्कुल होगा। कभी देखूंगा कोई एक चैनल पे चला गया, आज यहाँ का वीडियो देख लिया, आज इस सर से 2 चैप्टर पढ़ लिया, कल उस सर से 2 चैप्टर पढ़ लिया, परसों तीसरे के यहाँ चला गया। बहुत लोग देखते होंगे कोचिंग ही बदलते रह जाते हैं, उनका उम्र ऐसे ही बीत जाता है। तो कहने का मतलब है, कोई भी एक किताब को आप पहले, ट्रस्ट करने से पहले 10 किताबों को आप देख लीजिए एक बार, एक दिन 2 दिन का समय आप दीजिए बुक लिस्ट फाइनल करने में। क्योंकि तो मैं जैसे ये बुक बताया, चाहे कोई भी टॉपर है, चाहे कोई भी सिलेक्ट जो हो गया है, आपको कोई किताब बताता है, वो अपने हिसाब से बताता है। मान लीजिए मुझे ये बुक पढ़ने में अच्छा लगा, ऐसा थोड़ी ना कि राम जी को भी यही किताब पसंद आएगी, उत्कर्ष जी को भी यही पसंद आएगी, है ना, लाल ज्योति जी को भी यही पसंद आएगी, प्रियंका जी को भी यही पसंद आएगी, जरूरी नहीं है। किसी को किसी बुक के लैंग्वेज अच्छे से समझ में आता है, सारे बुक अच्छे लिखा जा, मतलब सही तरीके से लिखे गए हैं, है ना। आपको देखना है कि आपको कौन सा बुक सूट कर रहा है आपके लिए, ठीक है। जैसे यूपीएससी की बात करूं तो बहुत लोग कहेंगे एम लक्ष्मीकांत पढ़ के सिलेक्शन होगा, कुछ यूपीएससी टॉपर ऐसे भी हैं जो एम लक्ष्मीकांत कभी पढ़े ही नहीं। तो वेरी करता है आपकी क्षमता कितनी है, आप पहले से कितना पढ़े हैं, ठीक है। तो बुक कम से कम लिमिटेड रखिएगा, जैसे मैं भी 2 4 बुक रखा हूँ, लेकिन पढ़ने के लिए मैंने क्या कहा, जब भी मुझे कंफ्यूजन होता है मैं इसी बुक को उठाता हूँ। वैसे आप किसी एक बुक को सिलेक्ट करिए, इंग्लिश के लिए एक बुक, हिंदी के लिए, या ऐसा कर सकते हैं जो मैटर इस बुक का अच्छा है हम इसी बुक से पढ़ेंगे, कुछ मैटर जैसे वोकैब सेक्शन किसी और बुक का अच्छा है तो उससे पढ़ लिया, हिंदी का जो पार्ट्स ऑफ स्पीच वाला पोर्शन है किसी और बुक का अच्छा है तो हमने इससे पढ़ लिया, लेकिन जब भी पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ेंगे फिर उसी बुक से पढ़ेंगे। बात समझ रहे हैं, उसी चीज को दोहराते रहेंगे, ठीक है। हाँ, ठीक है। और इंग्लिश के लिए कौन सा बुक, मेरे पास नीतू सिंह का बुक है, ठीक है, बुक वो लिस्ट के तो लिए इनफ कितना है दिन ना, बता दिया, मतलब हाँ नीतू हाँ सिंह। हाँ पर्याप्त है। बुक लिस्ट के लिए कितने हाँ दिन, और ठीक हर है एक ठीक है वीडियो में ठीक आपको है। बताता हूँ। देखिए नीतू सिंह की ये किताब है वॉल्यूम 1, ग्रामर पढ़ने के लिए आपके, ठीक है ना। वोकैब के लिए मैं कल भी दिखाया हूँ एक बुक, हर एक वीडियो में दिखा देता हूँ, नहीं, लेकिन वो कैट के लिए मेरे पास तो है। ये नई बुक आई है नीतू मैम की, ठीक है। ये बुक जो लोग खरीद लेंगे उनके लिए फायदा रहेगा क्या, कि मैं इसी बुक से अभी आने वाले टाइम में जैसे थोड़ा फ्री होता हूँ, टाइम की थोड़ी सी समझ रहे हैं ना, बहुत ज्यादा परेशानी रहती है टाइम की, लेकिन फिर भी जो समय निकल पाता है आप लोग के लिए लाता हूँ। इस बुक से जैसे वोकैब पोर्शन जो है मैं पर डे ऐसा करूंगा कि कुछ वीडियो ऐसा लेके आऊंगा, आधे घंटे का, 15 मिनट, 20 मिनट, जो भी हो, ताकि प्रत्येक दिन आपका कम से कम 10 20 वर्ड एक तरीके से तैयार होता चला जाए। लिखा हुआ इसमें भी है, समझाने की कोशिश करूंगा या साथ साथ दोहराने की कोशिश आप मेरे साथ करेंगे। प्रत्येक दिन कम से कम 20 25 वर्ड आपका याद होना चाहिए। अभी आपके एग्जाम में 7 8 महीने हैं, सोच लीजिए इस हिसाब से कंटिन्यू हम अगर पर डे करते हैं 10 20 वर्ड इस बुक से, तो आराम से हो जाएगा तैयारी, वोकैब सेक्शन आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। जिन लोगों को इंग्लिश नहीं आती है उनको भी काफी ज्यादा मदद हो जाएगा, समझ रहे हैं।
सोच रहा हूँ, काफी कुछ प्लान कर रहा हूँ, और लिखने के लिए आप लोगों को कॉपी प्रोवाइड करा ही दिया हूँ व्हाट्सएप ग्रुप में, खाली कॉपी जिसपे ऐसे की प्रैक्टिस करनी है जैसा कि पेपर टू में आता है, वहां पे सॉल्व कॉपी अपनी, जो मेरा जो चेक किया हुआ पेपर टू कॉपी है जो मैंने एग्जाम में करके आया है, मैंने किया है, वो काफी सारे सेलेक्टेड लोग वहां शेयर किए हैं अपने लर्नर्स फेलो व्हाट्सएप ग्रुप पे, ठीक है? तो जो लोग नहीं ज्वाइन है, ज्वाइन होकर वहां पे डिमांड कर लीजिएगा कि मुझे जरा कॉपी भेज दीजिए फिर से, मैं अभी नया ज्वाइन हुआ हूँ, इस तरीके से लिख दीजिएगा, ठीक है? और जो लोग भी मैसेज या कॉल करिएगा मुझे, तो कृपया अपना नाम और कहाँ से बोल रहे हैं ये जरूर बताया करिएगा। बहुत लोग सीधा शुरू कर देते हैं, हाँ सर ये प्रॉब्लम है ऐसे ऐसे ऐसे, अरे आप मुझे जान रहे हैं, मैं भी तो आपको जान लूँ ना कि आप कहाँ से हैं, ठीक है? जरूरी होता है, क्योंकि मुझे मेरी बात किससे हो रही है, कहाँ से हो रही है, ठीक है? वैसे राम जी आप कहाँ से हैं? मैं हूँ छत्तीसगढ़ से। अच्छा, देखिए छत्तीसगढ़ उड़ीसा, आज मैं लिस्ट वो फाइनल कर रहा था, कैग वाले में हम लोग को डालना है स्टेट प्रेफरेंस, समझ रहे हैं, तो उसी में देख रहा था। ये कैसा जगह है छत्तीसगढ़, मतलब बोलचाल की भाषा से हिंदी वगैरह सही है वहाँ, हाँ, हिंदी छत्तीसगढ़ी बोली जाती है, मिश्रण और खान हिंदी और पान, छत्तीसगढ़ी। खान पान इसी सब तरह का है? खान पान मतलब नॉर्मल है, सामान्य है। हाँ मतलब मैं खुद जो ज्यादा घूमा नहीं हूँ छत्तीसगढ़ को, लेकिन अपने है मतलब ज्यादा मतलब उत्कर्ष जी कुएं का लखनऊ से मेंढक की हैं, तरह ही गांव में हूँ बस, यूपी का तो जान रहा हूँ और उत्कर्ष ज्यादा जी। तो घूम। उत्कर्ष जी मैं 3 साल BHU में पढ़ा, फिर 2 साल BEd किया इलाहाबाद से, प्रयागराज से, तो मैं 3 साल वहाँ भी रहा हूँ, प्रयागराज भी, और 3 साल बनारस भी, तो यूपी तो खैर बहुत पसंद है, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, वहाँ तो मैं रहा ही हूँ और जाता आता रहता हूँ। अभी भी जैसे DRDO का पेपर है बनारस, 15 को फिर जा रहा हूँ बनारस, 15 से पहले ही जाऊँगा। अच्छा ये उड़ीसा, लाल ज्योति जी, उड़ीसा कैसा जगह है, मैं गया नहीं कभी, जी 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 सर, उड़ीसा बहुत अच्छी जगह है ना? है, तो वहाँ जगन्नाथ जी का टेम्पल है। वो तो समझ रहा हूँ, लैंग्वेज प्रॉब्लम है क्या कुछ हिंदी वालों के लिए? हाँ, उड़ीसा में उड़िया बोली जाती है, तो हिंदी बोलना थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होता है। तो क्या वहाँ के लोग समझते हैं, मतलब जैसे हिंदी में बात बात करूँ वहाँ हाँ, पे हिंदी हिंदी समझते हैं, समझते लेकिन हैं? हर कोई हिंदी नहीं बोलता है। अच्छा बोलते नहीं है, तो फिर क्या मतलब उसके सब्स्टिट्यूट में क्या बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं? हाँ, उड़िया बोलते हैं, इंग्लिश भी नहीं। अगर एजुकेटेड पर्सन हो तो इंग्लिश बोल लेता है, लेकिन जो एजुकेटेड नहीं है, उड़िया और हिंदी थोड़ा बहुत, जैसे कि जैसे नॉर्मल। भुवनेश्वर है ना वहाँ का, जी, हाँ तो जैसे वहाँ पे लैंग्वेज जैसे हिंदी में कोई बात करे तो फिर उसे प्रॉब्लम तो नहीं आनी चाहिए। कुछ भी प्रॉब्लम नहीं, सब समझ और जाएंगे। और खान पान वहाँ का क्या है, कैसे यहाँ से, जैसे कि जो सेंटर का रीजन है, इस तरह का खान पान वहाँ भी है? जी, बस इधर रोटी रात में खाते हैं और राइस दिन में खाते दिन हैं, में। अच्छा, जी बाकी सारे चीज अवेलेबल हो जाते, क्योंकि देखिए होता क्या है ना कि थोड़ा सा ये भी सोच के डालना पड़ता है स्टेट का, कि अगर आपका पोस्टिंग वहाँ आपकी हो जाती है तो मेन क्या दिक्कत है ना कि जगह तो चलेगा, खान पान का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। जैसे साउथ में खान भी पान ठीक ठीक है, ठाक है। हाँ जैसे साउथ में भी ठीक है, ऐसा नहीं है, जैसे कुछ दिन पहले हैदराबाद गया था मैं, तो वहाँ जैसे कुछ वहाँ का स्पेशल जो डोसा वगैरह ये सब होता है वो सब तो ठीक है, चलता है, लेकिन लैंग्वेज प्रॉब्लम, जैसे मैं कोलकाता गया था, कोलकाता के बहुत साथी साथे हैं, तो मुझे क्या है कि वहाँ मुझे ऐसा लगा, पता नहीं क्या है, जैसे थोड़ा सा लैंग्वेज प्रॉब्लम मुझे आ रही थी, जैसे वो बोल भी रहे थे ना तो थोड़ा सा टोन समझने में दिक्कत आ रही थी मुझे। जी सर, मैं अभी साउथ में हूँ, आंध्र अच्छा प्रदेश में हूँ फिलहाल, तो हाँ हिंदी इधर कोई भी समझ नहीं पाता है। हिंदी इंग्लिश भी कोई समझ नहीं पाता, ओनली तेलुगु चलता है इधर, तो लैंग्वेज एक बहुत बड़ा बैरियर है हाँ इधर। हाँ अच्छा आप इंटरनल वो ज्यादा अंदर में वाले में होंगे, क्योंकि मैं हैदराबाद गया था, हैदराबाद में मुझे कोई दिक्कत नहीं महसूस हुआ, मैंने कोलकाता से गया था उससे ज्यादा मुझे सही लगा हैदराबाद का, हैदराबाद में हिंदी बोलते हैं, थोड़ा बहुत बोलते हैं समझ हाँ आते हैं, वो लोग लेकिन बोलना चाहते हैं, जैसे पता नहीं कोलकाता में क्या लगा कि लोग बोलना ना चाह रहे हो हिंदी, ज्यादातर अपना जो वहाँ का बंगाली है उसमें बात करना चाह रहे थे। नहीं, हैदराबाद में बोलते हैं, लेकिन विशाखापट्टनम जो है ना आंध्र प्रदेश का, वो विशाखापट्टनम नहीं बोलते, क्योंकि हैदराबाद तेलंगाना में जाता है, तो इसीलिए वो डिवाइड हुआ था, हिंदी बोलने वाले ज्यादा है उधर। और काफी डेवलप लगा मुझे वो, तो सही है। जी और वहां का फिर वो क्या है, खान पान सही है आंध्र प्रदेश में आप है तो, जी जी खान पान अलग है बहुत प्रॉब्लम हो रही होगी। इधर का, अच्छा बहुत प्रॉब्लम। मैं क्या फील किया कि वहां पे जैसे जो भी है ना, जैसे ये नॉन वेजिटेरियन वालों के लिए ये सब जगह ठीक है, साउथ का जो भी जी है ना उनके लिए दिक्कत नहीं आती है, जैसे बंगाल में भी आप चले जाइए तो वहां जैसे कि नॉन वेज डिश खूब चलता है, जैसे मैं वेजिटेरियन हूँ तो जी मुझे थोड़ा सा वहां ये ऐसा लगा। चलिए हर जगह, यही तो विविधता में एकता है ना, यूनिटी इन डाइवर्सिटी भारत का है, कि हर जगह अलग अलग जी तरह के लोग हैं, अलग अलग तरह की भाषा है एक तरीके से, और सीखने को भी मिलता है ना। जी बहुत कुछ। अच्छा वहां जो लोग हिंदी ही बोलेंगे, जैसे मैं भी 1-2 दिन रहा तो थोड़ा सा टोन उधर का आने लगता है, जैसे मैं जी बोला जी इस तरीके से कुछ, मतलब शुद्ध हिंदी जो है थोड़ा सा वहां अपनी हिंदी को संभाल के रखना पड़ता है, थोड़ा सा वो होने लगता है। जी
चलिए ठीक है, अब आते हैं काम की बात पे। तो आप दे रहे हैं इस बार जीएसटी 2023 देंगे? जी जी सर। ठीक है, और ये उत्कर्ष जी लखनऊ के बारे में बताइए, लखनऊ तो एक बार मैं गया हूँ पेपर देने, और इसका भी प्री जो था एसएससी जीएसटी का वो लखनऊ ही था मेरा, लखनऊ तो खैर कैपिटल बढ़िया ही होगा। ठीक है चलिए, जो ही समय एक बार रिवीजन हो जाए, संज्ञा से शुरुआत करते हैं जहां तक बढ़ पाए देखते हैं। राम जी फटाफट बताइएगा संज्ञा के कितने भेद और नाम बस बताइए। संज्ञा, संज्ञा के 5 भेद होते हैं। बताइए 5 वेद में कौन कौन भेद, फटाफट बता दीजिए। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समुदायवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा जिसको कहते हैं। हाँ, और पदार्थवाचक संज्ञा, क्या बोलते हैं उसको, और द्रव्यवाचक संज्ञा जिसको कहते द्रव्यवाचक हैं। संज्ञा। ठीक है, बाकी इसके डीप में नहीं जाएंगे, संज्ञा हो गया। सर्वनाम का बताइए, सर्वनाम स्पीकर की वजह से आज बात नहीं कर पाऊंगा, डिस्टरबेंस हो जाएगा, क्लास में नेक्स्ट टाइम बात करूंगा सर। कोई दिक्कत नहीं है उत्कर्ष जी, आप सुनेंगे भी तो भी आपको फायदा कुछ ना कुछ सीखने को मिल जाएगा, यही है कि जो आएगा वो पाएगा, और जो नहीं आएगा उसके लिए भी पाने के लिए मैं कुछ यूट्यूब पे इसको डाल देता हूँ ताकि वो वहां से देख लें। उद्देश्य यही है कि आपका सिलेक्शन होना चाहिए, चाहे जैसे हो, चाहे यहाँ पढ़ के हो, कहीं पढ़ के हो, किसी से कुछ पूछ के हो, जितना मदद हो सके करने की कोशिश रहती है। सर्वनाम के भेद कितने हैं कौन बताएगा, लाल ज्योति सेनापति जी बताएंगे? सर अभी तो पढ़ा नहीं हूँ ठीक ठाक। कोई नहीं, आपके यहाँ के सीएम वो है ना नवीन पटनायक सर। जी जी नवीन पटनायक, कौन सी पार्टी क्या है वहां पे शासन अभी रूल? बीजेडी बीजेपी है, लोकल, बीजेडी बीजेडी, बीजेडी क्या फुल फॉर्म है उसका? बीजू जनता दल, अच्छा, तो वो किसी के साथ नवीन अलायंस, पटनायक। हाँ नवीन पटनायक अलायंस में है कि नहीं किसी के साथ वो, जी जी नहीं, अलायंस में नहीं है, मतलब वो किसी में नहीं है, मतलब कांग्रेस में ना बीजेपी नहीं के साथ किसी के साथ नहीं? नहीं नहीं ऑलरेडी 25 ईयर्स हो गया उड़ीसा में। लोकल पार्टी, और वही वही सीएम है हाँ, लगातार, लगातार ट्वेंटी लोकसभा और फाइव ना ईयर्स राज्य, लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ होता है, फिर भी वही जीतता है फिर वहाँ। वाह, जब जी तो जी विकास लेकिन हुआ होगा फिर बढ़िया ढंग से, हाँ, फिलहाल तो विकास हो रहा है, क्योंकि लेकिन लोग जो है वहां चुन रहे हैं बार बार उन्हीं को, तो फिर ये तो विकास है। विकास हो रहा। सही है। अभी आप जॉब में हैं क्या, जी नहीं सर, मैं फिलहाल बीएड कर रहा हूँ। बीएड कर रहे हैं वहीं से आंध्र प्रदेश से? जी, ओके ठीक है, और इधर आपका पीजीटी और एमए हो गया ये सब? वो कंप्लीट हो गया है। ठीक है ठीक है, चलिए मतलब एलिजिबल आप हो गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अब 2023 वाले में आप ये करेंगे। ठीक है, जी जी सर्वनाम के भेद, चलिए राम जी बताइए, आप ही से आज रहेगा सवाल, उत्कर्ष जी तो आज बोलेंगे नहीं, सर, स्पीकर उनका खराब जैसे है। पुरुषवाचक, निजवाचक, मतलब 6 प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के होते जैसे हैं, पुरुषवाचक हो गया, उसके बाद निजवाचक, और प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, निश्चयवाचक, निश्चयवाचक। ठीक है ठीक है। देखिए और लोग भी आ गए हैं, अंजलि मिश्रा आ गई हैं, शिखा सोनी जी आ गई हैं, ये लोग लेट कमर्स हैं, लेट से आए हैं ये लोग, इसलिए इनसे 2 सवाल ज्यादा पूछा जाएगा। चलिए, संज्ञा हो गया, सर्वनाम हो गया, विशेषण, अंजलि मिश्रा विशेषण के भेद बताइए, विशेषण क्या है सब जान रहे हैं, डिवीजन क्लास है। अंजलि मिश्रा आवाज आ रही है तो बताइएगा, विशेषण के भेद। शिखा जी आवाज आ रही है आपको? ओके, म्यूट करिएगा, म्यूट करिए शिखा जी, आपकी आवाज पता नहीं क्या क्यों, अगल बगल कोई टीवी वगैरह चल रहा है क्या, कुछ एकदम वो हो रहा है, आवाज में गड़गड़ाहट सी ज्यादा आ रही है, फिर से म्यूट अनम्यूट करके देख लीजिए आवाज अगर आ रही हो तो। हाँ सेम प्रॉब्लम आ रही है, देखिएगा ईयरफोन एक बार ठीक से निकाल के लगा के देखिएगा। हाँ बताइए विशेषण का भेद, तब तक कोई बताइए, अंजलि जी आवाज आ रही है आपको, बताइए राम जी आप ही बताइए, आज मोर्चा संभालिए आप ही।
सर मैं वैसे तो मैं पढ़कर ही बता रहा हूँ, कॉपी वगैरह से कोई लिखा हूँ दिक्कत नहीं है, पिछली पढ़ बार के ही टीचर बताइए से, कम से अभी कम। फिलहाल याद नहीं आ रहा है दिमाग में तुरंत, क्योंकि मैं पढ़ा ही नहीं हूँ अभी फिलहाल। पढ़ चुका हूँ ऐसे पढ़ने के लिए, लेकिन अभी फिलहाल याद नहीं आ रहा है। तो जैसे चार प्रकार ही होते हैं इसमें, ठीक है। कई लोग ना जैसे एनसीईआरटी बुक में, मतलब मैं किसी टीचर से पढ़ा तो पांच प्रकार बताता है वो, मतलब जैसे चार ही है, एनसीईआरटी चार बुक ही में है, भी चार ही है। चार ही मान, हाँ जैसे गुणवाचक, संख्यावाचक और सार्वनामिक या सांकेतिक, सार्वनामिक विशेषण, और हाँ, एक हाँ, और या और चौथा परिमाणवाचक। परिमाण, हाँ परिमाण, हाँ परिमाण, गुणवाचक, ठीक है, फिर से हो जाइए एक बार। विशेषण का गुणवाचक, संख्यावाचक, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाण, सार्वनामिक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, और सार्वनामिक या संकेतवाचक, उसी को हाँ, संकेतवाचक भी बोलते हैं, और परिमाणवाचक और विशेषण, चौथा परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण, ठीक है। ये विशेषण हो गया, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण हमने देख लिया। क्रिया, अंजलि मिश्रा आवाज आ रही है आपको? शिखा जी एक बार म्यूट करके, अनम्यूट करके देखिए, आपका सही हो गया आवाज प्रॉब्लम। आपके आसपास कुछ है, या तो टीवी वगैरह चल रहा है, या कुछ ऐसा है जिसके वजह से ये वाइब्रेशन का आवाज जो है आता रहता है? थोड़ा सा उससे दूरी बना के बैठिएगा तो हो जाएगा, नहीं तो कोई बात नहीं। देखिए, या दो फोन अगल में कोई बात करते रहता है, शायद इसके वजह से भी हो जाता है। हाँ, तो हम लोग क्या है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण हो गया, क्रिया। अच्छा, ईयरफोन का दिक्कत है, कोई नहीं, ठीक है। हाँ तो राम जी आइए आप ही लाइन पे। सर जैसे क्रिया होता है, जैसे कर्म के आधार पर, मतलब जैसे सॉरी कर्म, सकर्मक क्रिया होता है, अकर्मक क्रिया होता है, जैसे कर्म के आधार पर। एक एक एग्जाम्पल हो जाए। और जैसे सकर्मक क्रिया मतलब जिसमें जैसे राम आम खाता है, सकर्मक हो गया। जिसमें कर्म होगा, और हाँ मैं मतलब जो मतलब क्रिया हो रहा है, हाँ और जैसे हाँ मैं सोता हूँ तो सोना एक प्रकार से नहीं, अकर्मक जिस क्रिया हो वाक्य गया। में कर्म नहीं होगा वो हाँ जिस अकर्मक वाक्य में क्रिया कर्म होगा। नहीं होगा, जैसे मोर नाचता है वो अकर्मक क्रिया हो जाएगा। जैसे उससे इसका एग्जाम्पल था ना, क्या मतलब पहचाने का तरीका कि क्या लगा के सवाल करिए। जैसे मैं आम खाता हूं, तो सवाल पूछिए मैं क्या खाता हूं, तो जवाब मिला ना आम, तो ये जवाब जब मिल रहा है यानी कि कर्म है इसमें मौजूद, और जो जवाब मिल रहा है वही कर्म है, यानी आम खा रहा हूं, तो जवाब मिल गया। वह सोता है, अब सवाल करिए वह क्या सोता है, जवाब मिल रहा है, नहीं मिलेगा जवाब, वह क्या सोता है, जवाब नहीं मिलेगा, तो ये अकर्मक क्रिया हो गया, ठीक है। चलिए अब आते हैं, संज्ञा हो गया, सर्वनाम हो गया, विशेषण हो गया, क्रिया हो गया। क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण क्या, कितने भेद हैं बताइए। क्रिया विशेषण के भेद बताइए। क्रिया विशेषण के क्या भेद होंगे, कौन सर इसके बारे में शायद मैं पता नहीं, अभी पता नहीं दिख नहीं रहा है। बताएगा क्रिया विशेषण के भेद बताइए। क्रिया विशेषण होता क्या है, वैसे जो क्रिया की विशेषता बताता है उसको बोलते हैं क्रिया विशेषण, जैसे एडवर्ब सामान्य रूप से, जैसे वह धीरे धीरे चलता है, तो मतलब धीरे धीरे चलता, हाँ धीरे धीरे मतलब धीरे चलता है, मतलब धीरे क्रिया विशेषण हो जाएगा, मतलब वो चलना का विशेषता बता रहा है, ऐसा है ना सर? सही है। विशेष क्रिया, जो क्रिया की विशेषता बताया, क्रिया विशेषण है। हाँ, क्रिया की विशेषता बताए, देखिए चलने की विशेषता है ना, धीरे धीरे, तो ये क्रिया हाँ विशेषण है। वही है। देखिए क्रिया हो गया, क्रिया विशेषण, एक मिनट, विशेषण, विशेषण हो गया, सकर्मक अकर्मक क्रिया देख लिया हम लोगों ने, उसके बाद है, अच्छा वाच्य भी हम लोग पढ़ चुके थे। अब क्रिया विशेषण यहाँ है ना, स्थानवाचक है, कालवाचक है, परिमाणवाचक है, रीतिवाचक है, कौन कौन सा हो गया? रुखसार जी आज भी आई हैं लेट से, लेकिन आई हैं, देखिए आज। स्थानवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, सॉरी सर, आज हम लोग का थोड़ा फेस्टिवल हाँ था इसी। वो कोई नहीं, परिमाणवाचक, हम लोग का भी फेस्टिवल है, सर कोई नहीं, आप लोग हम कल है ना, हम लोग नहीं, आज है आज तो आज होलिका दहन नहीं है फिर क्या, आप बाहर नाच रहे हैं लोग, गाना वाना बजा रहे हैं सब, लेकिन वही अपना काम तो जो है उसमें लगे रहना है ना, जिस दिन सिलेक्शन हो जाए उस दिन पार्टी, उस दिन सारा फेस्टिवल उसी दिन हो जाता है, जॉब नहीं है ना, कोई नहीं पूछेगा फिर बाद में। सही बात है। ये है रीतिवाचक हो गया,
कैमरा ऑफ कर लीजिए सर, कैमरा आपका ऑन हो गया गलती से, देख लीजिए ठीक है। स्थानवाचक हो गया, कालवाचक हो गया, परिमाणवाचक हो गया, रीतिवाचक हो गया, क्रिया विशेषण के चार भेद ठीक है। राम जी क्लियर हुआ? राम जी हाँ क्लियर यस है? सर, हाँ यस सर, आप बोल रहे सर हो, इसलिए ना मैं ना पढ़ूंगा तभी याद होगा थोड़ा सा, मतलब टेस्ट वेस्ट दिलाऊंगा बार बार तो। इसलिए आज रिवीजन कर सका ना ठीक है। अब बताइएगा वाच्य, वाच्य के कितने भेद हैं? सर तीन कर्मवाच्य भेद और कर्तृवाच्य ऐसे बोलते है, हैं। कर्मवाच्य, और कृतवाच्य, उस भाववाच्य। रुखसार जी बताइए, रुखसार जी बताइए क्या कह रहे थे? सर कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। नहीं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, तीन है। वॉइस जिसको कहते हैं, वॉइस ठीक है। जैसे कर्तृवाच का हो गया राम ने दूध पिया, कर्मवाच का है लेख लिखा गया, और भाववाच्य है मुझसे चला नहीं जाता, मुझसे खाया नहीं जाता, इस तरीके से ठीक है। उसके बाद हम लोग काल भी देख चुके थे, बहुत सारा चैप्टर हम लोग कर चुके हैं जो जो मेन मेन है। काल में तो मुख्यतः तीन है, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। अब उसमें भी है, वर्तमान में भी कितने प्रकार हैं? चार, सामान्य वर्तमान, तात्कालिक वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान, संभाव्य वर्तमान ठीक है। बस आज रिवीजन हो रहा है, ये सब पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। जिनको इस समय कंफ्यूजन होगा, दिक्कत होगी, नहीं समझ में आ रहा होगा, वो SSC GST 2023 वाले प्लेलिस्ट में, चैनल पे प्लेलिस्ट है, ढूंढिएगा, प्लेलिस्ट का सेक्शन एक ऊपर आता है, उसमें SSC GST 2023 वाला प्लेलिस्ट में जाइएगा, क्लास एक से लेके आज जो 14वां क्लास है, 14th क्लास, सारे क्लास का वीडियो आपको मिल जाएगा, और चैप्टर का नाम भी उसमें लिखा हुआ है। वो वीडियो को आप दोबारा 3 बार देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा आपको क्या है नहीं है, उसमें अच्छे से एक्सप्लेन किया हूँ ठीक है। भूतकाल में है सामान्य भूत, आसन्न भूत, अपूर्ण भूत, संदिग्ध भूत, हेतु हेतु मद भूत ठीक है। फिर है भविष्य काल, इसमें सामान्य भविष्य, संभाव्य भविष्य, हेतु हेतु मद भविष्य है ठीक है। चलिए और क्या छूट रहा है? संज्ञा हो गया, सर्वनाम हो गया, विशेषण हो गया, क्रिया हो गया, क्रिया विशेषण हो गया, वाच्य हो गया, और कुछ छूटा क्या? संधि समास, कारक, कारक भी हम लोग पढ़ चुके हैं। कारक कितने प्रकार के हैं? आठ आठ प्रकार के, कर्ता, 8 प्रकार के हैं। कौन कौन है? कर्ता ने, कर्ता ने कर्म को इसका कर्म संग से, देखिए, इसको ऐसे याद संप्रदान करिएगा ना के तो आपको, अपदान हाँ से, कर्म ये भी याद रहेगा, कर्ता ने कर्म को संप्रदान, कर्ता ने कर्म कर्म से, कर्ता को कर्म ने से, कर्म को कर्म से, संप्रदान को के संप्रदान लिए, के हाँ लिए, अपदान से, अपदान से, संबंध का संबंध के का की एक अपान, अधिकरण देखिए में पर, अपादान बोलिएगा ना, अपादान बोलिएगा तो अपादान से के बाद अलगाव बोल लीजिएगा, तो इसे याद रहेगा कि से वाला अलगाव रहेगा तो, नहीं तो वो करण होता है ठीक है। अपादान से अलगाव, संबंध काके की रारे री, अधिकरण में पर, और संबोधन हे अरे अहो ठीक है, ये सब होता है। तो ये हो गया कारक, हो गए कारक चिन्ह हमने देख लिया ठीक है। समास और संधि भी हम पढ़ चुके हैं, समास कितने प्रकार के? फटाफट 2 मिनट में खत्म हो छह जाएगा सब, प्रकार, कौन कौन फटाफट बताइए। तत्पुरुष समास, क्रमधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास, और एक छूट गया ना, अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास, हाँ ठीक है। संधि, संधि कितने प्रकार के? हाँ संधि कितने प्रकार के, कौन संधि तीन प्रकार के हैं, कौन? स्वर संधि, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि। ठीक है, स्वर संधि कितने प्रकार स्वर के? हाँ संधि के पांच भेद होते हैं, कौन कौन? दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि, अयादि संधि, वृद्धि और वृद्धि संधि, संधि, वृद्धि छूट गया था ना, दीर्घ वृद्धि गुण संधि। वृद्धि यण अयादि, दीर्घ गुण हाँ वृद्धि यण अयादि ठीक है, पांच। और व्यंजन संधि होता है और विसर्ग संधि होता है ठीक है। चलिए काफी है ये, हम लोगों ने लगभग संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, कारक, संधि, समास, काल, वाच्य, इतने चैप्टर का रिवीजन अभी हमने कर लिया एक बार ऊपर ऊपर से। बाकी डिटेल में देखना है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। और जो लोग भी सोच रहे हैं इस क्लास में आने का, तो ये क्लास प्रतिदिन 10 बजे रात में चलती है, 10 बजे से 10:40 पर। लिंक व्हाट्सएप ग्रुप में आता है, व्हाट्सएप ग्रुप कैसे ज्वाइन करेंगे? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, वहां से आप ज्वाइन करिए। चैनल पे अगर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे पढ़ाई रिलेटेड ही बातें और ट्रांसलेटर एग्जाम से रिलेटेड ही बातें होती हैं ठीक है। दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा।
और किसी को कुछ कहना है तो 2 मिनट का समय है, जल्दी से बताइए, नहीं तो फिर होली की अग्रिम शुभकामनाएं सभी को। कल क्लास नहीं होगी, फिर परसों से एज इट इज 10 बजे क्लास चालू रहेगी। बताइए इंग्लिश ग्रामर ना चालू करो ना सर, इंग्लिश ग्रामर चालू। इंग्लिश सर मेरा है कि सर प्रश्न है, बताइए सर इंग्लिश का ग्रामर शुरू हो गया है? नहीं नहीं अभी हिंदी जैसे अब ये समाप्त होने वाला है, मेन मेन चैप्टर हमने कर लिया, अब इंग्लिश ग्रामर पे आते हैं फिर। सर मेरा एक सुझाव है, क्योंकि हम हिंदी और इंग्लिश ग्रामर एक साथ करने से अच्छा होगा, क्योंकि अगर आज संज्ञा के बारे में हम पढ़ेंगे तो अगले दिन हम नाउन के बारे में पढ़ेंगे तो कोरिलेटेड हो जाएगा, तो बिल्कुल अच्छा से ये चीज मैं बहुत पहले सुझाव दे चुका हूँ और इसके साथ साथ जो होता है उसको बताते भी चलता हूँ। आप पिछला वीडियो देखेंगे तो उसमें जैसे इसका जो पार्ट है उसी का इंग्लिश में है, वो मैं बता रहा हूँ, बताया चलता हूँ, ठीक है? और ये सुझाव आपका ठीक है, ये चीज मैं पहले इंप्लीमेंट कर चुका हूँ। और जैसे हिंदी का भी जो मेन मेन चैप्टर खत्म हो गया, अब हम लोग इंग्लिश पे स्विच करेंगे और इंग्लिश के पढ़ने के साथ साथ हम उसको हिंदी से भी रिलेट करते चलेंगे, ठीक है? क्योंकि एक बार हिंदी के चैप्टर हमने पढ़ रखा है, नाउन पढ़ेंगे तो उसमें संज्ञा का भी रिविजन करते चलेंगे, ठीक है? इस तरीके से। और मैं सोच रहा हूँ कि वो कैब वाली जो बुक है आप लोग ले लीजिएगा, वो कैब का भी कुछ इस तरीके से किया जाए कि पर डे कम से कम हमारे माइंड में 20 वर्ड्स आने चाहिए, ठीक है? मेरे पास ना जो ब्लैक बुक है तो ब्लैक बुक है या कोई भी है, जैसे कहीं से भी वर्ड तो सेम ही रहेगा ना, वर्ड हाँ तो सब लगभग सेम ही रहेगा। हाँ तो आप उसी से कर लीजिएगा। हालांकि मैं ये मानता हूँ कि बुक में किया गया इन्वेस्टमेंट कभी बेकार नहीं जाता है। बहुत सारे लोग ग्रुप में कह रहे थे पीडीएफ प्रोवाइड करा दीजिए, मैंने सारे बुक का पीडीएफ भी जहां तक हो पाया एक्चुअली प्रोवाइड ना करवा पीडीएफ पीडीएफ मतलब राकेश सर मतलब कर यूट्यूब में दिया, ऐसे कहा लेकिन जाता है उन पीडीएफ से मतलब पढ़ाई पीडीएफ जो है मुश्किल पीडीएफ होती है। हाँ पीडीएफ पीडीएफ कहते हैं सब, लेकिन ना ये पीडीएफ से पढ़ाई करना बुक मतलब मुश्किल जाता है, आशिका जी क्या कह रही हैं? मुश्किल सर ये है। बुक जो आप बता रहे थे वो मेरे को मिला नहीं क्योंकि मैंने कल ही बुक ज्वाइन किया था तो नाम मुझे मिल नहीं रहा था, कहाँ बुक है ना ये? से मिलेगा? कल मेरा नेटवर्क भी ठीक नहीं था। ये वोकैब वाली की बात कर रहे हैं? इंग्लिश के लिए ये तो नीतू सिंह का हो गया, और इंग्लिश के लिए कौन कौन इंग्लिश के सा? लिए ये नीतू सिंह मैम का है ना, वॉल्यूम 1 प्लिंथ टू पैरामाउंट, प्लिंथ टू पैरामाउंट अच्छा बाय नीतू सिंह, आप तो ऑनलाइन मिल बहुत जाएगा समय पहले आपको। ले लिया था क्या सर? हाँ ये बहुत पुराना है, ये हाँ मेरा भी मतलब नहीं आपके है, मेरा एक दोस्त है उसका था। 2012-13 एडिशन वाला है, अभी अभी वो हाँ। शायद केडी कम कैंपस वाला आते हैं। तो देखिए मैटर चेंज नहीं होता ना, ग्रामर तो ग्रामर ही रहेगा, 2013 का पब्लिकेशन का है, देखिए ऐसा नहीं कि इसमें कुछ क्या बदल हाँ, जाएगा, 2013 कवर चेंज मेरे कर देगा पास भी हमारा है ना एक्चुअली मैं। सर। हाँ सर हम हर दिन हिंदी और इंग्लिश का बुक रिवीजन करेंगे, हर दिन 20-20 बिल्कुल वर्ड बिल्कुल बिल्कुल। पहले से, उसके बाद हम ग्रामर स्टार्ट करेंगे, पहले वोकैब डिस्कशन हाँ करेंगे। वोकैब ज्यादा जरूरी है, और हिंदी का तो कहीं ना कहीं सब कर भी लेते हैं, इंग्लिश की जो वोकैब है वो ज्यादा जरूरी होती है। पढ़ते रहिए हिंदी, पढ़ते रहिए, ठीक है? या हिंदी को और देखिए, सर हिंदी हिंदी की बुक के लिए आपने क्या बताया? के लिए ले, सामान्य हिंदी लूसेंट का ले लीजिए ना, प्रत्येक दिन यही बुक के पास ही बैठा रहता हूँ, इससे ग्रामर और प्रैक्टिस सब हो हो जाएगा। जाएगा हो जाएगा। और इतना पहले कुछ दिन पढ़िए, फिर उसके बाद मैं बताऊंगा, टेस्ट बुक का लिंक दे दूंगा या टेस्ट बुक से प्रैक्टिस कैसे करनी है, पहले थोड़ा सा अपना एक तरीके से एक लेवल तो ले आइए, तब उस टेस्ट को लगाने में मजा आएगा, हाँ है ना? तब ऑनलाइन टेस्ट करने में हाँ ऊपर होगा, ठीक बहुत कुछ है, स्टेप बाय स्टेप बढ़ते चलिए, धीरे धीरे मैं आपको बताऊंगा, ठीक है? फिर आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, कोई दिक्कत होगा तो व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोगों के लिए 24 घंटे खुला हुआ है, जो पूछना है वहाँ पूछ सकते हैं, दिक्कत आए पर्सनली मैसेज कर दीजिएगा, ज़्यादा दिक्कत आए कॉल कर लीजिएगा, ठीक है? आप लोग की मतलब हेल्प के लिए हमेशा तैयार हूँ, और जो भी दिक्कत हो तैयारी में या किसी भी तरीके की दिक्कत आ रही है पढ़ाई में आपके, तो निसंदेह एकदम बिल्कुल बिना परेशान बेझिझक पूछा करिए, ज़्यादा दिक्कत है कमेंट बॉक्स में भी, यहाँ जो लोग नए होंगे कमेंट कर दीजिएगा, नहीं तो व्हाट्सएप ग्रुप चैट हो जाएगा, ठीक है? चलिए परसों मिलते हैं। हाँ उत्कर्ष जी परसों मिलते हैं सबसे, फिर कल छुट्टी रहेगी, आप लोग अच्छे से होली खेलिए, होली खेलते समय बस ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, मजे में होली खेलिए, बस अपने आंखों का और थोड़ा सा जानवरों का ख्याल रखिएगा कि ताकि उन पे रंग नहीं डालिएगा, बाकी आप स्वतंत्र हैं, अच्छे से होली खेलिए, सभी को हैप्पी होली और अच्छे से होली मनाइए, फिर ठीक मिलते है, हैं हम लोग आपको भी हैप्पी होली परसों। सर, हाँ हाँ थैंक यू, धन्यवाद। हैप्पी मिलते हैं फिर होली परसों सब सर, लोग। ओके ओके धन्यवाद। ओके ठीक है, फिर चलिए, गुड नाइट सभी को, शुभरात्रि।